बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे आजाद हिंद फौज क्या है, व्हाट इज आजाद हिंद फौज या व्हाट इज इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, इसे इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं बच्चों, INA, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी क्या है? INA बच्चों, या इसी को आजाद हिंद फौज भी कहते हैं। ठीक, बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही चीजें हैं बच्चों। तो आज हमारा फोकस इसी पर रहेगा, पूरा डिटेल में समझेंगे बच्चों। आजाद हिंद फौज, बेसिकली यह आजाद हिंद फौज एक ऐसी संगठन था, एक ऐसा सेना का एक टुकड़ी था जिसका उद्देश्य भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करना था बच्चों। बेसिकली हमको, आपको पता होगा कि हम लोग लगभग 200 साल, लगभग 200 इयर्स अंग्रेजों की गुलामी किए, लगभग मैं मान लो तो 200 साल गुलामी किए, और अंग्रेजों ने हम पे कई सारे बच्चों हमारा बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट किया, एक्सप्लोइटेशन हुआ, हमारा शोषण हुआ, और हम पे कई तरह का अत्याचार किए गए बच्चों। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आजाद हिंद फौज की स्थापना किया गया। ठीक है, सबसे पहले आजाद हिंद फौज की स्थापना 1915 में, 1915 बच्चों अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह बच्चों, अगर आपसे कोई संस्थापक, सबसे पहले अफगानिस्तान में, कहां पे बच्चों? अफगानिस्तान। अब समझिए, अफगानिस्तान है काबुल, कहां बच्चों? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, क्या है बच्चों? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले आजाद हिंद फौज की स्थापना 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में किया था, जिसकी राजधानी है काबुल में। ठीक है बच्चों, इतना बात समझ रहे हैं, फैक्चुअल चीज है, वन मार्क में आपको कहीं भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेसिकली दो बंदे का नाम और आता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942-43 में ये किया था मोहन सिंह ने। किसने किया था बच्चों? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। मोहन सिंह ने किया, तो भाई जब मोहन सिंह ने किया था तो वो आजाद हिंद फौज कुछ दिन बाद डिजॉल्व हो गया, विघटित हो गया, टूट गया। तो बच्चों इसके बाद रास बिहारी बोस, कौन बोलो? रास बिहारी बोस ने किया था इसकी। इसके बाद इसके संस्थापक थे रास बिहारी बोस थे। ठीक है, और सबसे पहले महेंद्र सिंह ने इनका गया, फिर मोहन सिंह आए तो डिजॉल्व हो गया, फिर रास बिहारी बोस। इसके बाद हमारे द ग्रेट सोल्जर सुभाष चंद्र बोस। बच्चों आप कमेंट कीजिए कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, हु कॉल्ड हिम नेताजी फर्स्ट टाइम। ठीक है बच्चों, वैसे वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, आप लास्ट तक समझ लीजिए, मैं बताऊंगा। देखिए बच्चों, कहानी से ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो हमारा फोकस मुख्य रूप से अभी आजाद हिंद फौज पे होगा बच्चों, मुख्य रूप से हमारा फोकस यहाँ पे होगा, किसके ऊपर बच्चों? सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में बेसिक कुछ जानकारी ले लीजिए, क्योंकि जरूरी है। ठीक है, अगर आप सुभाष चंद्र बोस को नहीं समझेंगे ना, तो आजाद हिंद फौज को आप 1% भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यही सर्वे सर्वा है ना इसके। ठीक है बच्चों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था, बच्चों 1897 ओडिशा में जगह है कटक, कहां पे बच्चों? ओडिशा के कटक में। ठीक है बच्चों, ओडिशा के कटक में इनका जन्म हुआ था 1897 बच्चों। ये सिविल सर्विस परीक्षा पास किए थे, जो आज का अभी UPSC है बच्चों। सिविल सर्विस परीक्षा सबसे पहले चीन ने शुरू किया था, चीन ने, और चीन ने ही सबसे पहले सब प्रिंटेड बुक भी छापा था, किताब होता ना, किताब मुद्रित पुस्तकें बच्चों छापा था।
तो बच्चों कमेंट करके बताइए, इंडिया में कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने सिविल सर्विस परीक्षा शुरू करवाया भारत में? कमेंट करके बताइए, ठीक है? चलिए, तो बात समझ में क्या कह रहा हूं, तो बच्चों ध्यान दीजिए। ओडिशा में इन्होंने जन्म हुआ था, कटक में। इन्होंने 1919 में बच्चों गए थे, दूसरे विदेश गए थे, 1919 में विदेश गए और वहां पर जाकर उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, उत्तीर्ण किया। फिर बच्चों 1920 से पास करके 1921 में इंडिया आ गए, 1921 में इंडिया आ गए बच्चों। आने के बाद क्या हुआ, हमारे ये सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, ही ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी बच्चों। लेकिन कहते हैं ना कि एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी दोनों, इन दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी बच्चों। कांग्रेस गांधी जी के विचारधारा पर चलता था और ये जो उग्रवादी थे, उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट, ये ध्यान दो, ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ये क्या थे बोलो, एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी, ये क्या थे, उग्रवादी थे, ध्यान दीजिए। तो उग्रवादी मतलब होता है जो गरम दल के अंदर में काम करे, जो जिनका खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, जान के बदले जान, वैसे होते हैं नरमपंथी, जो एप्लीकेशन लिख के दो सेवा में श्रीमान अंग्रेज महोदय अहमदाबाद गांधी कृपा करें, फिर थपरा के बरवा, फिर वहां पर हम लोग ऐसे नाटक करें, वही बात। तो नरम दल मतलब नरमपंथी, ठीक है? चलिए फिर बात करें बच्चों, तो हम बात करेंगे गरम दल के सेना थे बच्चों, और ये गरम पंथी जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गया, खुदीराम बोस हो गया, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ठाकुर रोशन सिंह हो गया, मतलब ये जो हमारे तीन को फांसी चढ़ा दिया था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीनों सब बच्चों, ये सब क्या थे, ये सब गरम बल, एक्सट्रीमिस्ट, क्या बोलते इसको, एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी, एक्सट्रीमिस्ट अंग्रेजी में कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी, गरम दल, गरम पंथी, गरम दल के नेता, आप जो भी बोल दीजिए, उसके उल्टा गरम पंथी, उदारवादी, महात्मा गांधी, डिस्ट्रैक्ट, यही सब बच्चों। फिर लाल बाल पाल हुआ, लाल लाजपत राय, बाल पुराना तिलक, बाल विपिन चंद्र बराबर, ये तीनों भेजे थे ना, ये तीनों गरम दल के नेता थे, कौन थे, गरम दल के सबसे बड़े नेता थे सुभाष, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक, इसे अशांति का जनक कहते थे बच्चों, अशांति का जनक, अशांति कहीं है तो फादर यही होगा, समझे? किसने कहा था अशांति का जनक, कमेंट करके बताइए। ये हमारे जो बाल गंगाधर तिलक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनको अशांति का जनक किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है बच्चों। सुनिए, तो फिलहाल हम इस पर बात करेंगे, टॉपिक पर, अभी मेरा इस टॉपिक पे होगा बच्चों। तो क्या हुआ कि ये हमारे सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी, विचारधारा कांग्रेस से विचारधारा अलग थी बच्चों। तो फिर भी उन्होंने कुछ हद तक टॉलरेंस किया, तो 1938 में फाइनली यह त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं, कौन, हमारे सुभाष चंद्र बोस। 1938 कई बार टेबल पूछता है, 1938 और 1939 त्रिपुरा अधिवेशन, और बच्चों हरिपुरा अधिवेशन, दो बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं, ध्यान दीजिए, लिसन टू मी, गांधी जी एक बार बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक, गांधी जी एक बार, ये सब बच्चों कांग्रेस अधिवेशन, कोई ऐसा एग्जाम नहीं, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, डिस्ट्रिक्ट फलाने का, सब कुछ पूछता ही है अधिवेशन, सबको डट जाओ बढ़िया से, अधिवेशन को तैयारी कर लिए, ऐसे भी ट्वेल्थ में भी कहीं पर भी बच्चों अधिवेशन के कौन अध्यक्ष हैं, एक मार्क में कब हुआ, मतलब मुख मुख ऊपर ऊपर बातें आपको डीपली नहीं पूछेगा, सुपरफिशियल ऊपर सतही बातें आपको पूछी जाती हैं। तो ध्यान रखिए, एक इकट्ठा याद कर लीजिए, इसको चपा लीजिए दिमाग में, ध्यान दीजिए, 1938 में 1939 में ये कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष बनते हैं, और यहीं से इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। देखो क्या हुआ, हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में कांग्रेस क्या बने, अध्यक्ष बने, कौन, हरिपुरा अधिवेशन में, कौन, हमारे सुभाष चंद्र बोस, ध्यान दो। फिर त्रिपुरी, बच्चों त्रिपुरी है जबलपुर में, कहां पे है, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर बच्चों, तो जबलपुर त्रिपुरी अधिवेशन है, ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ, इसी में विवाद हो गया, इसी में क्या हुआ, विवाद, इसमें झगड़ा हो गया, गांधी जी का और इनका भयंकर से झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया। हुआ क्या बच्चों, देखो गांधी जी इनको पसंद नहीं करते थे, गांधी जी की विचारधारा क्या थी, अलग, हरिपुरा क्या थी, अलग, गांधी जी वही एप्लीकेशन लिखने वाले, ये खून के बदले खून वाले, आंख के बदले आंख वाले, जान के बदले जान वाले,
तो भाई दोनों की आइडियोलॉजी विचारधारा अलग अलग थी, एक एक पश्चिम तो एक पूरब, एक पूरब तो एक पश्चिम, कोई उत्तर तक दक्षिण, ऐसे 360 डिग्री मतलब 180 डिग्री पर घूमता था, मतलब अपोजिट, दे आर अपोजिट टू इच अदर। गांधी जी का फेवरेट बच्चों इनका विरोधी कौन था, पिता भी सीतारमैया, पिता भी सीतारमैया, सीतारमैया कांग्रेस बच्चों गांधी जी के, देखो आप देखो कोई भी चीज होता है, जैसे मोदी जी बने हैं तो मोदी जी के विपक्षी कौन है, कांग्रेस है, श्री राहुल गांधी जी हैं, इसी प्रकार बच्चों इसी प्रकार ध्यान दो इनके विपक्षी पट्टा भी, नाम है पूरा पट्टा भी सीतारमैया, बोलो पट्टा भी सीतारमैया, इनके कौन थे अपोजिट, अपोजिट किनके, सुभाष चंद्र बोस की 1939 में, 38 में तो निर्विरोध चुन गए तो मतलब बढ़िया चुन गए, विवाद इसमें हुआ वोटिंग के लेकर के, तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस ने कहा ठीक है वोटिंग फिर से करवा लीजिए, वोटिंग करवा लो, सात को आज क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ना है तो फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ना है तो फारसी क्या, कहते ना प्रत्यक्ष को प्रमाण ज्योत नहीं होती है, कोई प्रत्यक्ष तुम्हारे आत्मन से सर्टिफिकेट मांग रहे हो तो बहुत बड़ा मूर्खता हो ना, प्रत्यक्ष पूछ लो जो पूछना है, सर्टिफिकेट लेकर क्या करोगे, अचार डालोगे उसका, सर्टिफिकेट में है ही तो क्या करोगे, कुछ प्रत्यक्ष में है ही नहीं तो अपोजिट, वही बात। तो त्रिपुरी में यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो गया, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और पट्टा भी सीतारमैया जो थे बच्चों वो बेसिकली गांधी जी के फेवरेट थे, गांधी जी ने पूरा जम दम लगा दिया था कि ये यही जीते, कौन पट्टा भी सीतारमैया, गांधी जी के फेवरेट थे और ये गांधी जी के थोड़ा अथी थे, तो क्या हुआ गांधी, अरे काउंटिंग में फिर सुभाष चंद्र बोस जीत गए, तो क्या हुआ जीत गए, तो अब इनका रास्ता साफ हो गया, हुआ क्या गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये हार पट्टा भी सीतारमैया का हार नहीं है, ये हार मेरा हार है, और इतना बड़ा स्टेटमेंट कदम समझदार के लिए सारा काफी, तो सुभाष चंद्र बोस समझ गए कि बुढ़ऊ गेल है सुधरेगा नहीं तो ये गया है, तो अब हम इसको छोड़ ही देते हैं, मतलब ठीक है, इसने उनका मन दुख गया, रिजाइन दे दिया, तुम ये बन रहो, फिर पटारी भी सीतारमैया जी बन गए, तो फिर ये चले गए, ये देश छोड़ के चले गए, देश छोड़ के क्या गए चले गए, भागते 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 बच्चों ये पहुंच गए अफगानिस्तान, कहां पहुंच गए काबुल, कहां पहुंच गए वही अफगानिस्तान का नहीं काबुल, जहां पर ये हमारे महेंद्र प्रताप सिंह ने इसकी क्या की थी शुरुआत की थी, पहुंच गए वहां पर, पहुंचने के बाद वहां से भागते 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 बच्चों पहुंच गए जर्मनी, कहां पहुंच गए जर्मनी के बर्लिन का दीवार आपने सुना होगा ना, कमेंट करके बताओ बर्लिन का दीवार कितना लंबा था, कब टूटा, कब बना, सब कुछ, एवरीथिंग यू हैव टू कमेंट, एग्जैक्ट बताना है, ठीक है, तो बच्चों बताना है बर्लिन दीवार कब बना, लेंथ कितनी थी, और उनके अगल बगल कौन आते थे, उनकी आइडियोलॉजी कैसी थी, बच्चों समझिए मैं एक चैप्टर को ही बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपको, अगर इतना पता है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए तो बर्लिन पहुंच गए, बर्लिन में, बर्लिन कहाँ है भाई, जर्मनी, बर्लिन जहाँ पे जर्मनी का एक बर्लिन का एक वॉल था, पता है ना, जो अलग अलग विचारधारा के लोग रहते थे, एक तरफ यूरोप एक तरफ USSR, ठीक है, उसकी अलग कहानी है, हम बताएंगे अभी अलग में बाद में, तो बच्चों बर्लिन पहुंच गए, बर्लिन में उन्होंने ट्रेनिंग लिया, क्या लिया ट्रेनिंग, हिटलर से मिले, हिटलर द हरामी जिसने लाखों लोगों को मरवा दिया, हिटलर का एक कोटेशन है बच्चों, एक झूठ को तब तक बोलो जब तक वो सच ना हो जाए, अगर तुम झूठ भी हो तो उसको बोलो सही बात, बोलो पता तक हाथ लगा लो, तब तक बोलो एक झूठ को तब तक बोलो जब तक वो सच साबित ना हो जाए, सामने वाला बोले हाँ सच ही है तो लोग मान ही जाएंगे, ये हिटलर का कहना था, एक झूठ को तब तक बोलना है जब तक लोग सामने वाला उसको क्या करे एक्सेप्ट ना कर ले, एक झूठ को इतना बार बोलिए झूठ है फिर भी बोलिए हाँ सही है, यही मेरा बात सही है, ये हिटलर का मानना था, हिटलर चूंकि हिटलर था तानाशाह था, तानाशाह अपने मन में जो आता था बच्चों समझ, तो हम बात करते हैं बच्चों कहाँ पे थे, हाँ तो वहां पे हो गए गांधी, सॉरी आप मैंने प्रश्न पूछा था आपसे, नेहरू जी को नेहरू जी कहते हैं, माफ कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस को
नेताजी किसने कहा था? इन्होंने ही कहा था, हिटलर ने। हिटलर ने ही इनको नेताजी की उपाधि दिया था। क्यों ने? हिटलर, हिटलर ने ही दिया था बच्चों। ठीक है बच्चों, हिटलर का चिन्ह क्या है कमेंट करके बताइए जरा। ठीक है, हिटलर का क्या है इसका चिन्ह? ठीक है, हिटलर का जो सिंबल इसका क्या है कमेंट करके बताइए। मैंने यहाँ पे थोड़ा बता दिया आपको हिंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से बताना है बच्चों, सुनिए समझे बच्चों, ध्यान दीजिए। आगे बात करते हैं, तो उन्होंने ट्रेनिंग लिया, किन्होंने ट्रेनिंग लिया, ध्यान उधर, इन्होंने ट्रेनिंग लिया किन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने। और ट्रेनिंग में बहुत भयंकर रूप से सीख गए बच्चों, सब कुछ सीख गए। अचानक से इनको कॉल आता है, क्यों कॉल आता है? सुभाष चंद्र बोस को कौन कॉल करते हैं? रास बिहारी बोस साहब। कॉल मतलब बुलावा, कॉल मतलब कॉल नहीं है, उस जमाने में फोन इतना हाई फाई था भी नहीं। कॉल का मतलब बुलावा, ऐसे कॉल करता तुमको तो बोलते समझिए बुला ही रहा है आपको, क्या करे, कोई कॉल कर रहा है मतलब क्या, कॉल सी एडल, कॉल कॉल मिस बुलाना, नहीं कसम योर मॉम इज कॉलिंग यू, तो ना आपको कॉल करेगा, बुला रहा है, चलो बुला रहा है, आवाज से भी बुला रहा है, कुछ संवाद भी पठा दिया, तो बुलावा आया बच्चों। समझे मैं क्या कह रहा हूं? तो इनको बुलावा आया, रास बिहारी बोस ने बोला यहाँ पे आइए, आप ट्रेंड हो चुके हैं, हिटलर ने आपको ट्रेंड दिया था, आप जरूर, आपको इतना सारा होगा, आए। वो उसके हेड बना देते हैं रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस को हेड बना देते, कौन? आजाद हिंद फौज के अब सर्वे सर्वा हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हो जाते हैं। ठीक है, कौन हो जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी इसके सर्वे सर्वा बन जाते हैं बच्चों, मतलब ऑल इन ऑल आप इसके अंदर बच्चों 40,000 स्त्री और पुरुष, स्त्री भी था पुरुष, एक फौज बनाया 40,000, बहुत बड़ा बच्चों एक फौज बनाया, बहुत बड़ी संख्या में 40,000 अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो इतने बड़ी मात्रा में एक आजाद हिंद फौज की स्थापना किया, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की एस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है बच्चों, तो बनाया, इसके बाद बच्चों इन्होंने पूरा का पूरा महिलाओं का यूनिट, बच्चों बताइए महिला का यूनिट का हेड कौन था, कमेंट करके बताइए, जो आजाद हिंद फौज बनाया था एक महिला का अलग से रेजिमेंट था उसका हेड कौन था, कमेंट करके बताइए। ठीक है चलिए सुनिए, तो आजाद हिंद फौज, ध्यान दो, आजाद हिंद फौज का बागडोर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आ गया। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बच्चों जब वो गांधी जब वो वहां पे थे, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 आपसे अगर कोई पूछे कि फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड बोलो, फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना किसने किया, ब्लॉक बोलो ना, किसने किया था, किसने किया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, स्वर्गीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखना फॉरवर्ड ब्लॉक के सामने किसने किया, नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, तो इनका कहना क्या था, देखिए इनका कहना था कि जब अंग्रेज ने, देखो उस समय ही 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है चला, शुरू हो गया 1939 से 1945 तक शुरू हो गया था। शुरू होने के बाद गांधी जी, इनका कहना था कि अभी अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जुटा हुआ है और यही टाइम है कि हम लोग विद्रोह करें, क्या करें, विद्रोह करें, मतलब अंग्रेजों से पूरा हक मांगे, अपना लड़ाई करें, हो हल्ला करें, बोलो हमको आजादी दो, चलो भागो यहां से, अगर खाली करो देश। लेकिन महात्मा गांधी तैयार नहीं थे इस पर, तो इन्हें इनका मतभेद हो गया और इन्होंने बोला चल हटाइए, तो बढ़ो तो है ही खत्म। ठीक है, तो फिर वो चले गए, तो देश से छोड़ करके लगे चले गए, आपको पता होगा बर्लिन आ गए, बर्लिन में फिर उनको ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग करके फिर सब कुछ, तो रास बिहारी बोस ने फाइनली इनको बचाया। वो 40,000 एक बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया मजबूत बच्चों फॉरवर्ड, ये जो हमारा आजाद हिंद बैंक था, आजाद हिंद फौज था, इसका अपना एक बैंक था, इसकी अपना एक मुद्रा थी, इसकी अपनी क्या थी, बैंक, इसका सब कुछ अपना था, अपना बैंक, अपना मुद्रा, क्वेश्चन है ना आजाद हिंद फौज, ये लिखना, इनका सब कुछ अपना था, अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपनी सेना थी, सेना महिलाओं थी, महिला थी, सेना में 40,000 बहुत बड़ी बच्चों, बहुत बड़ी मात्रा में सेना तैयार कर लिया, सेना को सभी को ट्रेनिंग दे दिया था, सभी सेना सशस्त्र बल बच्चों, सभी के पास अपने अपने बंदूकें थी, सभी अपने अपना अस्त्र शस्त्र भरपूर था बच्चों। और इन्होंने बच्चों सबसे पहले लक्षद्वीप को आजाद करवाया था। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आजाद हिंद फौज ने सबसे पहले
किस भूभाग को स्वतंत्र करवाया लक्षद्वीप, किसको लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार दक्षिण जो है ना वही वगैरह उन्हीं क्षेत्रों को कुछ हद तक उन्होंने क्या किया जीत लिया। तो इनकी कंट्रीब्यूशन थी यह, ठीक है। तो हुआ क्या, ये बेसिकली देखिए आप अगर आप वर्ल्ड वॉर को अगर पढ़ा होगा तो वर्ल्ड वॉर में दो धुरी थे, कितने धुरी थे दो, एक था अलाइड एक था एक्सिस, बोलो एक था अलाइड एक था एक्सिस, दो ध्रुव था अलाइड ग्रुप और एक्सिस ग्रुप, एक में था बच्चों कौन, एक में था आपको इटली जापान, बोलो इटली जापान श्रीलंका, इटली जापान और श्रीलंका, दूसरी तरफ रूस, रूस का माफ कीजिएगा ये हमारा जो इंग्लैंड था, कौन था इंग्लैंड था, फिर बात करते हैं आपको इंग्लैंड तो था ही मोस्ट पावरफुल, यूएसए था, कौन था यूएसए था, और बहुत सारे क्षेत्र थे। तो इटली बच्चों हाँ, और बताते हैं एक और फैक्ट मैं भूल ही गया, सुभाष चंद्र बोस को देखिए दूसरे देश जाने के लिए वीजा लगता है आपको पता है वीजा, तो इटली ने इसे फर्जी सर्टिफिकेट बना दिया, इटली ने इसे एक फर्जी सर्टिफिकेट वीजा बनाया, इटली के फर्जी सर्टिफिकेट से ही जर्मनी पहुंच गए थे, समझे बात, इटली ने इटली का जो वहां पर मुख्य रूप से योगदान था, समझे बात, इनको बर्लिन पहुंचाने में और बहुत सारा योगदान था, मतलब कि पहुंचाने में बच्चों, ठीक है सब कुछ। तो क्या हुआ फाइनली, आपको पता होगा बच्चों कि द्वितीय वर्ल्ड वॉर में फिर से हमारी जो ये हमारी होती है ना, जापान की हार हो जाती है, इटली की हार हो जाती है और हमारा जर्मनी भी हार जाता है, जर्मनी भी क्या होता है हार जाता है, चूंकि आपको जाता है, पता है बच्चों 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी, बोलो हिरोशिमा और नागासाकी, लिटिल बॉय और फैट मैन, लिटिल बॉय और फैट मैन नाम का बम गिरा दिया था अमेरिका ने, परमाणु बम, परमाणु पता है तुम्हें 6 अगस्त 1945 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय और फैट मैन नाम का बम गिराया था, फिर जापान ने सिलेंडर कर दिया, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया सिलेंडर, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ बच्चों ध्यान दीजिए, इसके बाद ध्यान दीजिए क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि आजादी फौज ने भी समर्पण कर दिया, क्या कर दिया आजादी फौज का, यहीं पर खत्म हो जाता रोल बच्चों यहीं पर, क्योंकि देखिए मेन इसका पार्टी सब हार गया और अंग्रेजी क्या हो गए बोलो जीत गए, क्या हो गए जीत गए, और जीते इसके पीछे कहीं ना कहीं बच्चों हम भारतीयों का गलती था, क्योंकि हम भारतीयों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसको सहयोग किया, ये बहुत बड़ी गलती थी, क्यों सहयोग करें, पहली बार तो हम लोग सहयोग किए थे, खिलाफत हुआ था, खिलाफत आंदोलन, हम लोगों को बोला गया कि खलीफा को छोड़ दिया जाएगा, पता नहीं खलीफा कहानी, जो खलीफा कौन थे, खलीफा थे मुस्लिम धर्म गुरु, और देखो मुसलमानों को कहा था कि तुम मुझे सहयोग करो मैं तुम्हारे धर्म को क्या करूंगा छोड़ दूंगा, कौन बोले थे अंग्रेज, और बोला ठीक है मुसलमान ने कहा, बोला ठीक है प्रथम विश्व युद्ध में हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, इंडिया के मुसलमान लड़े, जब छोड़ने की बारी तो छोड़े नहीं, धोखा धोखा हो गया, इसके बाद 1924 तक खिलाफत आंदोलन चला था, ठीक है बच्चों हिस्ट्री है लिंक करके पढ़िए, कोई एक टॉपिक पे स्टैटिक मत रहिए, समझे। तो बात करते हैं, यही था बच्चों आजाद हिंद फौज की पूरी कहानी, बच्चों मैंने छोटा में ही बताया आपको, इसके लंबा और मैं बता सकता हूँ लेकिन चूंकि समय का अभाव ही होता है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी, और बहुत सारा फैक्ट मैंने इतने ही 23 मिनट की वीडियो में 24 मिनट वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया होगा, जो आपको नहीं कुछ भी पता होगा, बहुत सारी चीज़ नहीं पता होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जो मैंने प्रश्न बताया कॉमेंट करके बताइए, ठीक है, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, और बच्चों प्लीज़ शेयर करो, प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड।